आजकल प्रत्येक व्यक्ति को पेट से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी लगी रहती है। यह परेशानी लिवर में गड़बड़ी की वजह से अधिक होती है, क्योंकि आजकल के लोग अपने खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से लिवर खराब हो जाता है या लिवर संबंधित अन्य परेशानी हो जाती है, जैसे लिवर का फैटी होना, सूजन आ जाना और लिवर में इन्फेक्शन हो जाना इत्यादि। यदि हमारा खाना ठीक प्रकार से नहीं पच रहा है या हमें पेट में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये लिवर की खराबी के लक्षण हैं। इसे अनदेखा करना घातक साबित हो सकता है। इसे भी पढ़ें। लिवर खराब होने की वजह और लक्षण। ज्यादातर लिवर की खराबी अधिक तेल मसाले वाला भोजन, ज्यादा शराब पीने या बाहर का खाना अधिक खाने की वजह से होता है। लिवर की खराबी के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे मुंह से गंदी बदबू आना, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ना, पेट में हमेशा दर्द रहना, भोजन का सही ढंग से नहीं पचना, त्वचा पर सफेद धब्बे पड़ना, पेशाब या मल गहरे रंग का होना इत्यादि लिवर की खराबी के सामान्य लक्षण हैं। कुछ अन्य भी लक्षण हो सकते हैं लिवर की खराबी के, जो हमें जांच के बाद ही पता चल पाते हैं। इसे भी पढ़ें। यदि पाचन तंत्र में खराबी हो या लिवर पर वसा जमा हो या फिर वह बड़ा हो गया हो, तो ऐसे में पानी भी नहीं हजम होगा, त्वचा पर सफेद धब्बे पने लगते हैं, जिससे लिवर स्पॉट भी कहा जाता है। अगर हमारा लिवर सही से कार्य नहीं कर रहा होता है, तो मुंह से गंदी बदबू भी आने लगती है, क्योंकि मुंह में अमोनिया ज्यादा रिसता है। आंखों के नीचे धब्बे पड़ने लगते हैं, जिस पर आपके खराब स्वास्थ्य का असर साफ दिखाई देने लगता है। लिवर को स्वस्थ रखने के आयुर्वेदिक घरेलू उपाय। रात को सोने से पहले दूध में हल्दी मिलाकर पिएं, क्योंकि हल्दी में रोग निरोधक क्षमता होती है और यह है।